फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर होस्ट कर रहा है मोस्ट सेंसेशनल इवेंट बना हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि उन्होंने अकेले इसको होस्ट करने के लिए $220 बिलियन का मैसिव खर्चा किया है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका ने इस इवेंट को होस्ट करने के लिए $3.6 बिलियन स्पेंड की, ब्राज़ील ने $15 बिलियन स्पेंड की, रशिया ने 2018 में $11.5 बिलियन खर्च की, जबकि कतर $220 बिलियन खर्च करा अकेले। एक ऐसा देश जो पूरी तरीके से रेगिस्तान है, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, 7 नए स्टेडियम बना दिए गए, अनगिनत होटल्स बना दिए गए और इसके साथ ही मेट्रोज और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ईजी कर दी गई। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ये इवेंट है तो वर्थ इट ही होने वाला है इतने सारे पैसे लगाने का। वेल, जो भी कंट्री ओलंपिक्स या फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है उसी को सारे खर्चे बियर करने पड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के, स्टेडियम बनाने के खर्चे भी वो कंट्री ही बियर करती है और सारे टिकट्स के पैसे, स्पॉन्सरशिप के पैसे और मर्चेंडाइज के पैसे फीफा लेकर जाती है। फीफा का इवेंट होने के बाद ये स्टेडियम यूजलेस हो जाते हैं, वेस्ट ऑफ मनी हो जाते हैं, क्योंकि आप इस ब्राजीलियन स्टेडियम को ही देखिए जो होस्ट होने के बाद आज एक बस डिपोट की तरह यूज होता है। कतर ने $220 बिलियन का खर्चा किया है और वो इसे $10 से $20 बिलियन हार्डली बनाने वाला है। अब जब इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और कमाई में भी थोड़े ही पैसे आ रहे हैं तो कतर क्या बेवकूफ़ है जो इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्टोरी कि इस इवेंट को होस्ट करने के पीछे कतर की क्या हिडन स्ट्रेटजी है। इस स्टोरी को डीप में समझने के लिए पहले हमें कतर को समझना होगा। पॉइंट नंबर वन, कतर का ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उनकी जीडीपी का 60% से ज़्यादा इनकम उनके ऑयल एंड गैस से आता है। दुनिया में तेजी से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम में कंसीडर कर रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 6 देश जो सबसे ज़्यादा ऑयल बाइन करते हैं उसमें से 4 देशों ने तो ये टारगेट रखा है कि 2050 तक वो जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। इससे ये होगा कि 70% तक ऑयल एंड गैस के डिमांड कम हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत तो हो चुकी है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइजेस डे बाई डे कम होते जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल के मुकाबले। इससे ये होगा कि कतर 2050 के बाद ज़्यादा डिपेंड नहीं रह पाएगा अपने ऑयल एंड गैस के इनकम पर। तो ये कतर की पहली बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, कतर की लोकेशन। कतर चारों तरफ से अपने राइवल से घिरा हुआ है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें, इसके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उसमें है सऊदी अरबिया, यूएई, इजिप्ट एंड बहरीन। और जैसा कि जानते हैं आप कि ये छोटे मोटे राइवल्स इसके नहीं है, 2 वर्ल्ड के टॉप पावरफुल ऑयल कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब एंड यूएई शामिल है। कतर सर्वाइव कर रहा है क्योंकि यूएस ने उसको एक सिक्योरिटी की गारंटी दी हुई है, लेकिन अगले 30 सालों में जब ऑयल एंड गैस ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगा तब शायद यूएस अपनी सिक्योरिटी वापस ले ले और उस वक्त कतर के राइवल्स के लिए उस पर अटैक करके उस पर कॉन्कर करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और कतर की अपनी खुद की आर्मी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसमें सिर्फ 22,000 आदमी है। इवन इस इवेंट को होस्ट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से हेल्प लिया है। सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की हर एक कंट्री चाहती है कि उनका इनकम डाइवर्सिफाई हो। उनके पास एक अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए जिससे वो अपने इनकम सोर्स बढ़ा सकें। लेवरेजिंग इन जियोपॉलिटिक्स। आप इन बाकी अदर कंट्रीज़ को देखेंगे तो इनके पास डाइवर्सिफिकेशन के इंस्ट्रूमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएई एक फाइनेंशियल एंड ट्रांसशिपमेंट का हब है इन द फॉर्म ऑफ दुबई, और सऊदी अरब के पास रेड सी और स्विस कनाल का एक्सेस है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30% एंटायर वर्ल्ड के कंटेनर फ्लो करते हैं स्विस कैनाल के जरिए। तो सऊदी अरब को अगर एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए तो वो इनसे चार्ज कर सकता है एज अ शिपमेंट, एक शिपमेंट टोल की तरह, और पैसे बना सकता है। कतर जो कि एकदम अलग ही पड़ जाता है, वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएई में भी नहीं मिल सकता क्योंकि इससे काफ़ी दूर पड़ जाता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, हम जब दुबई का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, टूरिस्ट का एक हब। लेकिन जब हम कतर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? दूर दूर तक रेगिस्तान, बंजर जमीन। तो कतर ग्लोबल लेवल पर अपने इस परसेप्शन को ठीक करने की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहा है। तो मेन ये 3 चीज़ें हैं जो कतर सॉल्व करना चाहता है। पॉइंट नंबर 1, कतर अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करना चाहता है ऑयल एंड गैस पे से डिपेंडेंसी हटाकर। एंड पॉइंट नंबर 2, यूएस से जो उसे सिक्योरिटी की गारंटी मिली हुई है वो उसे बरकरार रखना चाहता है इवन ऑयल एंड गैस खत्म हो जाए तब भी। एंड पॉइंट नंबर 3, वो इन्वेस्टर्स के सामने, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके सामने अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन सब को वो ठीक कैसे करने वाला है, सॉल्व कैसे करने वाला है, और इन सब का फीफा वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? तो इसका जवाब है, फर्स्ट, स्पोर्ट्स वॉशिंग,
यानी इसके जरिए हम इंटरनेशनल ऑडियंस को ये हॉस्पिटैलिटी महसूस कराते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा देश है, यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा खातिरदारी की जाती है और पब्लिक रिलेशन को मजबूत किया जाता है। और ये सिर्फ एक रेगिस्तान वाला देश नहीं है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यही अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो हम सबके माइंड में कैसी इमेज आती है, गरीबी, कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश। लेकिन यहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की बात करूं तो हमारे माइंड में कैसा इमेज आता है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश, एक अच्छी इमेज आती है। ये सब मुमकिन हो पाया स्पोर्ट्स को होस्ट करने की वजह से, वो इसके जरिए इंटरनेशनल ऑडियंस के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाए। अब कतर भी सेम यही स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, वो कतर अपनी न्यू कतर डेवलपमेंट को दिखाना चाहता है जो कुछ ऐसी दिखती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कतर इस होस्टिंग के जरिए फॉरेन इन्वेस्टर की नज़रों में अपनी इमेज को अच्छा करना चाहता है। फीफा उनके लिए एक एक्सपो की तरह है जिसमें वो अपने टैक्स बेनिफिट, लैंड एग्जेम्पशंस और अपने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाना चाहते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये वर्ल्ड कप उनकी इमेज अच्छी करेगा और उन्हें नए इन्वेस्टर्स लाने में भी हेल्प करेगा। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये एक ऐसा फंड है जिसमें कतर अपना मोस्ट ऑफ पैसा बाहर फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है, लंदन एयरपोर्ट और न्यूयॉर्क रियल स्टेट में भी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है, तो इसका जवाब ये है कि जब आप किसी कंट्री के बड़े लीग में और मेजर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको एक्सेस मिल जाता है वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, बड़े बड़े बिजनेस पर्सनस का, इवन सेलिब्रिटीज का भी, जिनका यूज़ करके आप फॉरेन पॉलिसीज क्रिएट करवा सकते हैं अपने फेवर में अपनी कंट्री के लिए, जिससे आपकी इकोनॉमी को बिलियंस में फ़ायदा हो सकता है। इसी का एग्जांपल है रशियन गैस कंपनी गैज़प्रॉम का, जिन्होंने मैसिव खर्चा करके यूरोपियन लीग यूएफए को स्पॉन्सर किया, जिसके जरिए रशिया ने यूरोपियन कंट्री से अच्छे रिश्ते बना लिए और मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ को अपना ऑयल एंड गैस बेचना स्टार्ट कर दिया जस्ट एक स्पोर्ट्स इवेंट के जरिए। इनके इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं, 34% मेजर प्रॉपर्टीज़ इन यूके कतर ने बाई किया हुआ है, जो कि यूके किंग के 21% से भी ज़्यादा है। इन्होंने जर्मन की एक फुटबॉल क्लब बाई किया हुआ है जो 4 लीग जीत चुकी है, बैंक ऑफ अमेरिका, वॉक्सवैगन ग्रुप, द डच शेल एंड ऊबर में भी ये इन्वेस्टेड है। अब कतर इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके कितना सक्सेसफुल होता है ये तो टाइम आने पे ही पता लगेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।